हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो का टॉपिक है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। तो देखिए, आज का टॉपिक जो है वो आप लोग समझ गए होंगे, लैंडस्लाइड से रिलेटेड है। अब ये लैंडस्लाइड एटलस क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, एटलस तो वैसे भी आप लोग को पता होगा, बट वॉट इज लैंडस्लाइड एटलस, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 20% का डिस्काउंट, जो कि एक लिमिटेड ऑफर रहेगा। ठीक है, अब आपको ये 20% ऑफ का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अगर आप यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल करोगे, जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे, AMS लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हो, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट अवे कितना 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड ऑफर है, जल्दी आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और कोड लगा के इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को रिडीम कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए आरंभ बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आपको लेना है प्लस का या फिर आइकॉनिक, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, एक्सपीडिशन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 16 मार्च से, विच इज अ कंप्लीट इंग्लिश बैच। ओके, सो आप लोग एनरोल कर सकते हो इन बैचेस में। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो देखिए, यहाँ पर बात करी जा रही है लैंडस्लाइड एटलस की। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो आपकी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, NRSC, ठीक है, सो इट्स अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है एक लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो हियर यू कैन सी, इस प्रकार से यहाँ पर लैंडस्लाइड एटलस जो है वो लोगों ने यहाँ पर जारी करी है, जिसमें हमें डिटेल गाइडेंस मिल जाएगी और आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम जो लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट हैं हमारे कंट्री के। देखिए, आपको पता ही होगा जोशीमठ जैसे जो इतनी सारी चीज़ें अभी हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, केदारनाथ का इशू हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक के बाद एक जो इतनी सारी आ रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है और इसरो ने, दोनों ने साथ मिलकर यहाँ पर इसीलिए ये लैंडस्लाइड एटलस जो है वो रिलीज करी है, जिससे कि हमें डिटेल गाइडेंस मिल जाएगी, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट कौन कौन सी जगह पर है हमारे देश में। ओके, तो NRSC जो है वो यहाँ पर मैंडेट करती है फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, आर्काइविंग एंड डिसेमिनेशन टू वेरियस यूजर्स। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए कि किस प्रकार से ये जो एटलस है इसको प्रिपेयर किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर इस एटलस को प्रिपेयर किया गया है। देखिए, सबसे पहली चीज, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने यहाँ पर, इट वॉज अ रिस्क असेसमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 80,000 लैंडस्लाइड्स जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड हुई हैं 1998 से लेकर 2022 तक। कितनी? 80,000 लैंडस्लाइड्स जो कि यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं हमारे देश के अंदर, 80,000 लैंडस्लाइड्स हुई हैं। इस बेसिस पर यहाँ पर ये जो एटलस है उसको तैयार किया गया। तो देखिए, 1998 से लेकर 2022 तक कब कब यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं, 147 यानी कि 147 डिस्ट्रिक्ट्स में और 17 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनको मिलाकर बनी है ये लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द कंट्री, जिसमें इतनी सारी जगहों में 147 डिस्ट्रिक्ट में करीब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी लैंडस्लाइड्स हुई हैं 1998 से लेकर 2022 तक। सोचिए, ये जो एटलस है ये यूज कर रही है यहाँ पर सैटेलाइट डेटा ऑफ इसरो, जो कि मैप करता है ऑल सीजनल एंड इवेंट बेस्ड लैंडस्लाइड, जैसे कि आपके केदारनाथ का डिजास्टर हुआ। केदारनाथ का डिजास्टर आप लोगों को याद है, 2013 की बात है, जो लैंडस्लाइड हुई थी ट्रिगर्ड करी यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। फिर यहाँ पर जो सिक्किम में अर्थक्वेक आया था 2011 में, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर आपकी ये जो लैंडस्लाइड थी ये ट्रिगर हुई थी। पैन इंडिया लैंडस्लाइड डेटाबेस क्लासिफाई लैंडस्लाइड इनटू सीजनल 2014 2017 मॉनसून सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो पैन इंडिया लैंडस्लाइड डेटाबेस है वो क्लासिफाई करता है लैंडस्लाइड्स को इनटू सीजनल, जैसे कि 2017 और
2014 में जो लैंडस्लाइड्स आई थी वो मॉनसून सीजन में आई, इवेंट बेस्ड और रूट बेस्ड थी आपकी 2000 से 2017 तक। इसके बाद देखिए की हाइलाइट्स क्या हैं। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है, केरला है, जम्मू है, कश्मीर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स 1998 से लेकर 2022 तक। अब मिजोरम जो है उसने टॉप किया है यहाँ पर इस लिस्ट में, जहाँ पर 12,385 लैंडस्लाइड्स हुई हैं। कितनी? 12,385 लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिली हैं इन द पास्ट 25 ईयर्स। ठीक है, 8,926 जो हैं वो यहाँ पर 2017 में हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2017 में कितनी हुई है, 8,926। मिजोरम जो है, मिजोरम के बाद यहाँ पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा जहाँ पर 11,219 हुई है लैंडस्लाइड्स। उसके बाद केरला है, और उत्तराखंड की यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की फ्रेजिलिटी जो है दैट वाज रिसेंटली एक्सपोज ड्यूरिंग दी लैंड सब्सिडेंस इवेंट, जो कि हमें जोशी मठ में देखने को मिला। इसी वजह से बहुत सारा टूरिज्म जो है वो उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में रुका हुआ है ड्यू टू दीज लैंडस्लाइड्स। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर मैक्सिमम लैंडस्लाइड एक्सपोजर रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश 16, केरला में 14, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 13-13 ईच, हिमाचल प्रदेश है, असम है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर 11 हमें देखने को मिली है, मिजोरम में 8, नागालैंड में 7। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के, यहाँ पर हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी है, लैंडस्लाइड रिस्क जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एरियाज में। तो देखिए ये जो एक्टिस है वो आपको यही सारी चीजों के ऊपर गाइड कर रही है कि कौन कौन से शहर में, कौन कौन सी राज्य में हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, कहाँ ज्यादा खतरा है और कहाँ कम खतरा है, कौन सा एरिया लैंडस्लाइड के रिस्क पर है, एक्सपोजर पे है। ठीक है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस पर्टिकुलर एटलस में मिलेगी। इसके बाद देखिए कि हिंदुस्तान जो है वो कितना वनरेबल है लैंडस्लाइड पे। तो देखिए इंडिया कंसिडर किया जाता है टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज के अंतर्गत। ग्लोबली अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो किस में आ रहा है, टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 5 कंट्रीज में आता है। ठीक है, जहां पर एटलीस्ट वन डेथ जो है पर 100 किलोमीटर में होती है ड्यू टू लैंडस्लाइड हर साल। रेनफॉल जो आपकी रेनफॉल वेरिबिलिटी है यानी कि बारिश की जो वेरिबिलिटी पैटर्न है वो यहाँ पर इट इज़ दी सिंगल बिगेस्ट कॉज, ये सबसे बड़ी कॉज रहती है लैंडस्लाइड की हमारे देश के अंदर। हिमालयाज हो गए, आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, दे रिमेन हाईली वनरेबल एक्सक्लूडिंग स्नो कवर्ड एरियाज। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 12.6% जो है हमारी कंट्री का जियोग्राफिकल लैंड एरिया जो है दैट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। एज मैनी एज 66.5% ऑफ लैंडस्लाइड जो है वो रिपोर्ट करी गई है आपके नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, और 18.8% है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की तरफ, और 14.7% आपकी वेस्टर्न घाट की तरफ है। तो आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा आपको 66.5% जो लैंडस्लाइड्स हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस की तरफ देखने को मिलती हैं। वहीं पर वेस्टर्न घाट जो है डिस्पायर यहाँ पर बहुत कम इवेंट्स हुए हैं, बट लैंडस्लाइड्स जो थी दे वर फाउंड टू बी मेकिंग इनहैबिटेंट सिग्निफिकेंटली वनरेबल टू फैटलिटीज। ठीक है, स्पेशली इन केरला, यानी कि वेस्टर्न घाट में आपकी मात्रा कम जरूर है इवेंट्स को होने की। ठीक है, लैंडस्लाइड कम हुई है पर फिर भी ये काफी हद तक यहाँ पर खतरनाक भी रही है। ओके चलिए, अब लैंडस्लाइड कैसे कॉज होती है ये चीज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए एक नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, जो यहाँ पर आपके जितने भी माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है, जो कि कॉन्ड्यूसिव कंडीशंस रहती हैं जिसमें ऑफ सॉइल, रॉक, जियोलॉजी एंड स्लोप। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि माउंटेन्स कुछ ऐसे होते हैं, है ना, तो इस प्रकार से ये जो स्लोप है यहाँ पर हमें जो लैंडस्लाइड्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जैसे लैंडस्लाइड क्या होती है, एक सडन मूवमेंट है आपके रॉक का, बोल्डर्स का, अर्थ का, या अर्थ की जो डेब्रस होती है ऊपर की वो होती है, ठीक है, उसके हट जाने का। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए अगर बारिश पड़ रही है एक जगह पे, ठीक है, इस जगह पर बारिश पड़ती रहेगी तो सोचो यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर भर भर के इस एरिया को गला देगा, और गलने की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पर टूट के आगे बह जाएगा। ओके,
सो वही चीज़ है कि कॉजेज क्या क्या रहते हैं यहाँ पर. नेचुरल कॉजेज जो हैं वो ट्रिगर करती हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया. अगर अर्थक्वेक आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिलेगी. अर्थक्वेक की वजह से आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि इस प्रकार के दो हिस्से हो जाते हैं जमीन के अंदर. तो उसी हिसाब से जब ये दो हिस्से हो जाएंगे, अगर आप घर में रह रहे हो, आपके घर में इस प्रकार के दो हिस्से हो जाएं, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर फिर क्या होगा. सोचो, इतने बड़े बड़े हिस्से हो जाए यहाँ पर, और जितनी भी जमीन है यहाँ पर, जो जगह है, आपके घर जो बन रहा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टूट जाएगा. तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है. स्नो मेल्टिंग है, अंडरकटिंग ऑफ स्लोप्स है ड्यू टू फ्लडिंग, बाढ़ आने की वजह से लैंडस्लाइड होती है, अत्यधिक पानी है, पानी के बहाव के साथ साथ जो आपकी जमीन है वो आपकी खिसकती चली जाती है. अब यहाँ पर ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एक्सकावेशन हो गया, खुदाई चलती है, खुदाई की वजह से हो सकता है. ठीक है, अब जो आपके हिल्स हैं उनको काटना, पेड़ों को काटना और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर करना, अत्यधिक ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, जैसे कि केदारनाथ वाले एरिया में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो रखा है. अगर आप इन पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है. ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज. सो सम ऑफ द मेन फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लैंडस्लाइड को, उनको लिथोलॉजी, ज्योग्राफिकल जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके फॉल्ट्स हो गए, हिल स्लोप्स हो गए, ड्रेनेज हो गया, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी है, लैंड का यूज है, लैंड कवर है, सॉइल टेक्सचर है, डेप्थ है, एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स है. दीज आर दी मेजर फैक्टर्स. ऑल दीज फैक्टर इन अ लैंडस्लाइड, ये सस्पेक्टेबिलिटी जोन है, ठीक है, विच इज ईयर मार्क्ड फॉर प्लानिंग एंड मेकिंग प्रोडिक्शंस. तो यहाँ पर ये एटलिस्ट जो है वो आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानकारी देगी कि कहाँ पर कौन सा जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपोज है फॉर दी लैंडस्लाइड्स. ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, लेट देम ऑल्सो नो अबाउट दी टॉपिक. और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप नए हो चैनल पे. ओके, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.